दोस्तों फाइनली रियलमी का पहला 5G डिवाइस बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है, जिसका ऑफिशियल कंफर्मेशन आ गया है। और उसके साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन का लगभग हर एक स्पेसिफिकेशन कंफर्म हो चुका है। जैसा कि दोस्तों यहां पर आपको इस स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन के 700 सीरीज का पावरफुल प्रोसेसर, 60 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और उसके साथ ही यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ बहुत ही बेहतरीन डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं इसी स्मार्टफोन के बारे में कि क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है इसी स्मार्टफोन में और क्या होने वाला इसका कन्फर्म स्पेसिफिकेशन और इंडिया में इस स्मार्टफोन को कब तक और कितने प्राइस में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्मार्टफोन की बिल्ड और डिजाइनिंग से। तो दोस्तों Realme X50 में हमें बहुत ही बेहतरीन ग्लास बैक का डिजाइन देखने को मिलने वाला है, जो कि आने वाला ग्लोसी ग्रेडिएंट फिनिश के साथ। और उसके साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन के बैक साइड में आपको 16 मेगापिक्सल के क्वाड रियर कैमरे का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की फ्रंट साइड की, तो यहां पर आपको 6.4 इंच का एक फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिलने वाला है, जो कि आने वाला एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के सपोर्ट के साथ। और उसके साथ ही दोस्तों यहां पर आपको इस स्मार्टफोन में सैमसंग गैलेक्सी S10 प्लस के जैसा ही डुअल पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, जो कि आने वाला 32 मेगापिक्सल्स के सेल्फी कैमरे के साथ। और उसके साथ ही यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल्स का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलने वाला है। उसके साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की प्रोसेसर की। तो दोस्तों Realme के इस डिवाइस में हमें 5G के कनेक्टिविटी वाला एक पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, जो कि होने वाला है Qualcomm Snapdragon 735 का पावरफुल प्रोसेसर, जिसमें कि आपको बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। और उसके साथ ही अगर बात कर लेते हैं दोस्तों स्मार्टफोन की रियर साइड के कैमरास की, तो यहाँ पर आपको इस स्मार्टफोन में 60 मेगापिक्सल्स के क्वाड रियर कैमरे का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर प्राइमरी कैमरा 16 मेगापिक्सल सोनी IMX686 का सेंसर देखने को मिलने वाला है। और उसके साथ ही यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल्स का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल्स का एक माइक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल्स का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन में। और उसके साथ ही अगर बात कर लेते दोस्तों स्मार्टफोन की बैटरी की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में आपको 4500mAh की एक पावरफुल बैटरी देखने को मिलने वाली है, जो कि आने वाला है 15 वॉट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ, जो कि आपके फोन को हाफ एन आवर के अंदर ही फुल चार्ज कर देगी। एंड फाइनली अब बात कर लेते हैं दोस्तों स्मार्टफोन की प्राइसिंग और रिलीज डेट की। तो दोस्तों स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट आपको 20 से 25 हजार रुपए करीबन देखने को मिलने वाला है, जो कि आने वाला है 6GB RAM 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। और उसके साथ ही अगर बात कर लेते हैं दोस्तों स्मार्टफोन की रिलीज डेट की, तो दोस्तों स्मार्टफोन को इंडिया में 2020 के फर्स्ट क्वार्टर तक लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों यही थी स्मार्टफोन के बारे में कुछ कंफर्म स्पेसिफिकेशन, जो कि मैंने इस वीडियो में आपके संग शेयर किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे।